ग्लेशियर ड्वेलिंग्स एलएलपी डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं ओशियंस गार्डन। भिवंडी के इस प्राइम लोकेशन में 8,64,591 स्क्वायर एरिया में इस भव्य कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। पक्की पूरी बनी हुई सड़कें, साथ ही भविष्य में बनने वाली मेट्रो एवं लोकल ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है। 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हॉस्पिटल, बच्चों का स्कूल कॉलेज। जब जीवन को खुलकर जीने का मौका हो तो छोटे से घर के छोटे से ख्वाब क्यों। 702 मकानों के इस प्रोजेक्ट में 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं। पहली और दूसरी मंजिल पर स्टैक पार्किंग के साथ आपके एवं आपके परिवार की सुरक्षा के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम, CCTV सर्विलेंस जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हैं। आज ही अपने परिवार के लिए आरामदेह, सुरक्षित, सुंदर एवं सुसज्जित घर बुक करें। मुंबई पुणे महामार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सड़क हादसा कार और कंटेनर के बीच हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टक्कर कितनी भयानक और भीषण हुई होगी जिसमें कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आज सुबह भीषण हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मुंबई पुणे महामार्ग पर लोनावला के पास शिलाटने गांव के पास कार और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कार का कंट्रोल छूट गया और वह डिवाइडर को क्रॉस करते हुए दूसरी ओर पहुंच गई। उसी समय सामने से आ रही कंटेनर के नीचे जा फंसी। इस घटना में कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक और महामार्ग पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर कार से शवों को बाहर निकाल रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये कार कहां जा रही थी और इस कार में बैठे लोग कहां के रहने वाले हैं। वहीं वाहतूक पुलिस ने कंटेनर को रास्ते से हटा लिया है और सभी शवों को खंडाला के अस्पताल में रखा गया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।